नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई थी तो उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था और उसे पूरा भी किया था। परंतु अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर आप फ्री बिजली नहीं लेना चाहते हैं, यानी सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं, तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी कहा है, अगर आप फ्री बिजली लेना चाहते हैं यानी सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको फ्री बिजली 200 यूनिट तक मिलती रहेगी। वहीं अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका बिजली बिल अगले महीने से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यानी सब्सिडी बिजली के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और वह भी इसे घर बैठे बैठे। तो दोस्तों अगर आप भी फ्री बिजली लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है बिजली दफ्तर जाकर। इसके लिए जब अगले महीने आपकी बिजली की बिल आएगी तो आपकी बिजली बिल के साथ एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा और उस फॉर्म को ले जाकर आपको नजदीकी बिजली दफ्तर में जमा करना होगा। उसके बाद अगले महीने से आपकी बिजली बिल आनी बंद हो जाएगी। तो अगले महीने से अगर आप 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बिजली बिल फ्री होगी। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। इसके लिए आपको अपने फोन के माध्यम से एक मिस्ड कॉल देना होगा। मिस्ड कॉल देने के लिए आपको नंबर बता देते हैं। नंबर है 7011311111। फिर से नंबर रिपीट कर देते हैं। नंबर है 7011311111। मिस्ड कॉल देने के बाद आपको एक SMS प्राप्त होगा। उस SMS में एक लिंक रहेगा। उस लिंक पर क्लिक करके पूछे जाने वाली डिटेल को फिल करना है और फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के 3 दिनों के अंदर आपको SMS के माध्यम से इसका कंफर्मेशन प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में। इसके लिए आपको मोबाइल पर आना होगा और आपको अपने मोबाइल में एक नंबर सेव करना होगा, जो नंबर है 7011311111। फिर से नंबर रिपीट करते हैं 7011311111। और नंबर सेव हो जाने के बाद आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर आप इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन करना होगा और यहां पर आपको टाइप करना होगा wa.me/91। उसके बाद आपको टाइप करना है 7011311111। उसके बाद इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको चैट करने के लिए टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको मैसेज में लिखना है हाय और इसे सेंड कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ आया है, दिल्ली सरकार के बिजली सब्सिडी पोर्टल में आपका स्वागत है। दिल्ली बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कृपया आगे बढ़ें। और यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश पर टैप करना है। वहीं अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो आपको हिंदी पर टैप करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह मैसेज आया है, प्रिय उपभोक्ता, 2015 में दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद से अभी तक आपको आपके बिजली बिलों में छूट दी गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर 2022 से यह छूट उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो बिजली बिलों में आपको छूट मिलती रहे तो आपको निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराए। अब यहाँ पर आपसे आपका CA नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको CA नंबर फिल करना है। अगर आपको पता नहीं है कि CA नंबर कहाँ होता है तो यह आपके बिजली बिल में टॉप राइट कॉर्नर पे होता है, उसे यहाँ पर आपको फिल करना है और इसे सेंड कर देना है। CA नंबर शेयर करने के बाद आपके सामने यह फॉर्म आएगा और फॉर्म में भरे हुए डिटेल को आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपका नाम दिया हुआ है, आपका CA नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एड्रेस दिया हुआ है। इसे वेरीफाई करने के बाद अगर आपका डिटेल सही है तो यस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और 3 दिनों के अंदर इसका कंफर्मेशन भी आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है दिल्ली गवर्नमेंट के पावर सब्सिडी का लाभ कैसे उठाना है और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।